वेलकम टू द YouTube चैनल ऑफ 30 मिनट। नए साल में नए फाइनेंशियल गोल्स तो सेट कर लिए होंगे आपने, पर आधा इनकम तो टैक्स में ही चला जाता है। ऐसे में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे? डोंट वरी, आपके पास टैक्स सेविंग करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। तो आइए जानते हैं टॉप 5 बेस्ट टैक्स सेविंग टूल्स के बारे में। पर उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सोचिए, अगर हम आपको ये कहे कि आप अच्छे रिटर्न्स कमाने के साथ साथ आप टैक्स भी बचा सकते हैं तो? जी हाँ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ELSS के साथ ये मुमकिन है। ELSS एक प्रकार का म्यूचुअल फंड जिसमें आप 3 साल तक अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे भरे गए प्रीमियम्स पर आप टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। वहीं लाइफ इंश्योरेंस के प्रोसीड्स पर भी आप सेक्शन 1010D के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं। यानी इंश्योरेंस के जरिए आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में आप हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आप मंथली या ईयरली बेसिस पर कर सकते हैं। PPF में आपको टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन आपको अपने पैसे 15 साल तक इन्वेस्टेड रखने पड़ेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड करेगी। ये स्कीम एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करती है। एक एम्प्लॉयड पर्सन अपने सैलरी का 10% हिस्सा टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के रूप में रख सकता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ₹50,000 तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता है। टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट। जिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप मिनिमम 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, उन पर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो इस इन्वेस्टमेंट को प्रिफर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने अपने पैसे मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ किए तो आप टैक्स बेनिफिट्स खो सकते हैं। तो ये थे टॉप 5 बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स।